आपने जापान के यल जीरो सीरीज मेगलब ट्रेन के बारे में तो सुना होगा, जो अभी तक दुनिया की सबसे हाई स्पीड में चलने वाली ट्रेन है, जिसका गति 603 किलोमीटर पर आवर यानी 375 माइल्स पर आवर है। लेकिन क्या आपने दुनिया की सबसे धीमी गति के ट्रेन के बारे में सुना है? अगर नहीं तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। यह है दुनिया की सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन। स्विट्जरलैंड की ग्लेशियर एक्सप्रेस को दुनिया की सबसे धीमी ट्रेन सेवा माना जाता है। ग्लेशियर एक्सप्रेस स्विट्जरलैंड के ऊंचे पहाड़ों पर चलती है। यह ट्रेन स्मार्ट और सेंट मेरी स्टेशनों को जोड़ती है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक्सप्रेस ट्रेन तेज होना चाहिए, लेकिन यह नाम के अनुसार काम नहीं करता। इस ट्रेन को लगभग 290 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 10 घंटे लगते हैं, यानी यह केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करता है। यह रेल सेवा 1930 में शुरू हुई थी। शुरुआती दिनों में यह ट्रेन केवल गर्मी के दिनों में संचालित की जाती थी, लेकिन अब सेवा केवल 12 मासी ही नहीं है, ये एक बहुत बेस्ट ट्रेन सेवा भी है। हालांकि एक्सप्रेस ट्रेन होने के बावजूद सबसे धीमी गति होना गर्व की बात नहीं है, लेकिन दुनिया की सबसे धीमी ट्रेन सेवा के रूप में रिकॉर्ड करने के साथ ग्लेशियर एक्सप्रेस ट्रेन बहुत लोकप्रिय हो गई। दुनिया भर से पर्यटक ट्रेन को अनुभव करने के लिए यहाँ आते हैं। इस रेलवे के 290 किलोमीटर क्षेत्र में गर्मियों में हरी पहाड़ियों और सर्दियों में बर्फ से ढके सफ़ेद पहाड़ों को देखा जा सकता है। वास्तव में यह ट्रेन यात्रा बहुत ही रोमांचक और अनोखी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।